वेलकम टू माहेश्वरी रसोई। आज हम बर्फियां बनाएंगे। नॉर्मली बर्फियां हम मावे के साथ बनाते हैं, बेसन के साथ बनाते हैं या नारियल के साथ बनाते हैं, लेकिन आज मैं ये बर्फियां आलू के साथ बनाऊंगी। नवरात्रियों में खाने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आलू की बर्फी बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये आधी किलो आलू। ये उबले हुए आलू हैं जिसे मैंने छील लिया है। 300 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम मावा, ये सॉफ्ट मावा है, 50 ग्राम काजू, इन्हें हम पीस लेंगे और आलूओं को हम कद्दूकस कर लेंगे। ये 10-12 मैंने बादाम हैं जिन्हें मैंने बारीक काटा हुआ है। हरी इलायचियाँ, ये 5-6 मैंने हरी इलायचियाँ ली हैं। 100 ग्राम दूध, 1 पिंच से भी कुछ कम मैंने खाने वाला ऑरेंज कलर लिया है, ये ऑप्शनल है, आप पसंद करें डालिए वरना आप मत डालिए। 100 ग्राम देसी घी और 3 चम्मच ये मैंने नारियल का बूरा लिया है और रोज एसेंस। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे और काजुओं को पीस लेंगे। आलू हमने कद्दूकस कर लिए हैं। आलूओं को आप मोटे कद्दूकस करें तो ज़्यादा अच्छा है। और काजू भी हमने पीस लिए हैं। अब एक कढ़ाई में हमने ये जो घी लिया था इसे डाल देंगे। इस समय हम थोड़ा सा घी रोक लेंगे, सिर्फ थोड़ा सा, और घी को मेल्ट होने देते हैं। घी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें ये कसे हुए आलू डाल देंगे और इन्हें हम अच्छी तरह भूनेंगे। हमें इन बर्फियों के लिए आलूओं को बहुत अच्छी तरह भूनना है क्योंकि ये बर्फियां हमें काफ़ी दिन तक रोपनी होती हैं। ये 7-8 दिन तक बर्फियां बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। हमें आलूओं को मीडियम फ्लेम पर और कुछ देर लो फ्लेम पर करीब 10 मिनट तक भूनना होगा। आलूओं को हमने करीब 10 मिनट चला लिया था, हमें अभी और इसे अच्छे से और भूनना होगा, इसलिए हम इसमें ये जो दूध था ये इसमें डाल देंगे और अब हम तेज आंच पर इसे लगातार हिलाते हुए इसे चलाएंगे। कुछ सेकंड्स के अंदर ही दूध देखिए इसमें पूरी तरह सूख गया है और अब ये जो हमारा खोआ था इसको हम तोड़ते हुए इसमें मिला देंगे। इसके लिए हमें मुलायम खोए की ही ज़रूरत होगी और हम इसे फिर से चलाएंगे। अब हमने इसे 2 मिनट खोए के साथ भी चला लिया है। अब हमने ये जो घी रोका था उसे डाल के हम इसे थोड़ा सा और भूनेंगे। हमें इसने खोए के साथ और घी के साथ हमने इसे 5 मिनट और अच्छी तरह भून लिया है। इसी समय हम इसमें ये चीनी डाल देंगे। अगर आप मीठा कम खाते हैं आप चीनी थोड़ी कम डाल सकते हैं और चीनी के घुलने तक इसे तेज आंच पर पकाएंगे और उसके बाद फिर हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। आप हलवे को पेशन के साथ अच्छी तरह भूनें, इसमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी होगी। मैंने इसे चीनी डाल के करीब 5 मिनट भून लिया है और आप देख सकते हैं कि ये कढ़ाई को छोड़ने लगा है। इसी समय हम इसमें ये गोले का बुरादा, पिसे हुए काजू और इलायचियाँ मैंने कूट ली थी और इलायचियाँ, इन्हें अच्छी तरह मिला देंगे। अब हलवा हमारा जमाने के लिए तैयार है। इसी समय हमने ये जो 1 पिंच से भी थोड़ा कम कलर लिया था इसमें थोड़ा सा दूध या पानी मिला देंगे और ये भी इसी में मिला देंगे। कलर ऑप्शनल है।
गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें हम कुछ बूंद ये रोज एसेंस की डालेंगे, सिर्फ इतना सा, और एक बार अच्छी तरह मिलाएंगे। और देखिए अगर ये कढ़ाई छोड़ने लगा है तो यानी कि जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब एक ट्रे को हम अच्छी तरह हमने ग्रीस कर लिया है और इसमें ये आलू वाला मिश्रण जो हमने बर्फी के लिए तैयार किया है इसे पलट देंगे। अब ऊपर से सिर्फ गार्निशिंग के लिए आधा छोटा चम्मच हम गोले का बुरादा यानी गोले का बुरा छिड़क देंगे, हल्के हाथ से दबा देंगे जिससे ये इस पर अच्छी तरह सेट हो जाए। और ये काजू और बादाम जिसकी मैंने हवाइयाँ काटी हुई हैं इन्हें भी इस पर छिड़क देंगे और हल्के हाथ से दबा के इन्हें सेट कर देंगे। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर आने तक इसे सेट होने देंगे और उसके बाद हम इसकी बर्फियाँ काट लेंगे। अब ये बर्फियाँ कुछ ठंडी हो गई हैं, अब हम इन्हें काट लेंगे। मैंने सब में कट लगा ली है, अब हम इसे निकाल लेंगे इसमें से। इस तरीके से, इसी तरीके से मैं कुछ बर्फियां निकाल लेती हूँ। आलू की बर्फियां बनकर तैयार हैं। आप इन्हें जरूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको बर्फियाँ कैसी लगी। बर्फियाँ बनकर तैयार है। आप इन्हें फ्रीज में रखकर 7-8 दिन तक खा सकते हैं, ये खराब नहीं होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।